अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्कर्नैन नकवी अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी में मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है और जो पॉलिटिकल क्लैशेस हैं उनको देखते हुए उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है और लाहौर स्मार्ट सिटी में हमें राइट वे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइज, करंटली जो पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशंस हैं, लाइक जो पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस आई हुई हैं और फर्दर जो डॉलर्स के अंदर जो है वो उनका रेट इंक्रीज़ किया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग लाहौर स्मार्ट सिटी में हमें अपने पैसे को किस तरह से जो है वो बाउंड करना चाहिए या किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं वो सिर्फ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी सोसाइटी इस तरह की है जिस हर बार लाइक मैं आपके साथ ये चीज़ बताता हूँ, आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसके डेवलपर स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, मशीनरी वाइज, मैन पावर वाइज और ओवरऑल मार्केटिंग के हवाले से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो इसके डेवलपर्स हैं। इस तरह की सोसाइटी में और इस तरह के हालात में अगर हम लोग अपना पैसा डीवैल्यू नहीं करना चाहते, ठीक है, जिस तरह से डॉलर का जो हाल हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्शन या इनटेंजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह की फाइल्स हैं जिसमें आप अपने पैसे को बाउंड कर सकते हो, लेकिन ये जो पैसा आप बाउंड कर रहे हैं ये बेसिकली स्टक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा फॉर 2.5 इयर्स, फॉर 3 इयर्स, फॉर 4 इयर्स, ठीक है, और इतना टाइम पीरियड माइट भी कि आपके लिए भी बहुत है और इस सिचुएशन को जो है वो स्टेबल होते भी लाइक इतना टाइम तो रिक्वायर नहीं है इंशाल्लाह से, विद इन फ्यू टाइम इंशाल्लाह से पाकिस्तान जो उसकी इकोनॉमी को हिटिंग मिली हुई है और ये सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह से सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और दोबारा से जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने लेवल्स पे आ जाएंगी। तो उसके लिए अब इस टाइम पे कुछ प्लॉट्स की कटिंग्स हैं जिसमें राइट वे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक, तो उसमें लाहौर स्मार्ट सिटी के जो ओल्ड रेट्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट करें और उसमें जो आपकी सेलर फ्री फाइल्स हैं अगर आपको अपने नेम पे उसको करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, तो आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ओवरऑल अगर आप उसको फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज़ अगर आप उसको होल्ड करते हो या उसको किसी भी वे में लाइक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लेके जाना चाह रहे हो तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस कर सकते हो, इंशाल्लाह से आपको कंप्लीट उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि उसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे और कितनी देर के लिए करेंगे। फर्दर उसके अलावा ओल्ड रेट्स और न्यू रेट्स में जो आपकी कटिंग्स हैं वो आपका एक कनाल का प्लॉट है, 10 मरला की कटिंग है, 12 मरला और 5 मरला, आप इन प्लॉट्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को बाउंड इस टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है हर इन्वेस्टर के माइंड में है कि उसका पैसा डी वैल्यू ना हो। तो अगर पैसा डी वैल्यू नहीं करना, आप इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा बाउंड करो, लेकिन ये पैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बाउंड नहीं रहेगा, ये इंटरनली या आप ये कह सकते हो कि आपकी नज़र में और आपके डेवलपर की नज़र में ये ग्रो कर रहा है क्योंकि आप उसकी अमाउंट को पे कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स को अगर पे कर रहे हो तो आप तो बेसिकली चले गए 3 ईयर्स के एक टाइम पीरियड पर, आप इसको 3 ईयर्स पर ले गए हो, वो 3 साल आपके लिए काफ़ी टाइम है कि आप उसके अंदर लाइक और काफ़ी चीज़ें जो है वो देख सकते हो, इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, लेकिन अभी इस टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर वही रेट्स हैं जो अभी तक डॉलर जिसको हिट नहीं कर सका। उसके अलावा आप पेट्रोल देख लें, मोबाइल फ़ोन्स देख लें या कोई भी इस तरह की जो है वो होम अप्लायंस देख लें, आपको जो है वो ओवरऑल एक ओवरव्यू आप करके इसको देख लीजिएगा कि सारी चीज़ों के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसका हल, इसका सोल्यूशन ना तो डॉलर है कि आप डॉलर बाय करने लग जाएं, ना इसका सोल्यूशन ये है कि आप कुछ जो है वो व्हीकल्स जो है वो मोटर कार्स में चले जाएं, उनकी बाइंग स्टार्ट कर दें, तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। जो परमानेंट है, जो एक टाइम पीरियड के लिए स्ट्रोंगली आपके साथ रहेगा, वो ऑब्वियसली अर्थ है और अर्थ का वो लैंड जिसके ऊपर अच्छा डेवलपर बैठा हुआ है उसको अच्छे तरीके से वो डेवलप कर रहा है और आपके पैसे को यूज़ इस तरह से कर रहा है कि वो आपके पैसे को इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है उस सोसाइटी के अंदर
कि वो आपको डे बाय डे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप उसका डिफरेंस निकाल सकते हो कि मेरी पेमेंट थी कितनी, मैंने इन्वेस्ट कितनी की और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिला गया। तो इंशाल्लाह से फर्दर जो इसके बारे में डिटेल्स हैं या कंप्लीट इसके बारे में आपको जो है वो ब्रीफिंग चाहिए, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो है वो करंटली सिचुएशंस पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।